हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टंडन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेनिला आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तरीका देखने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करें, ताकि अगली आने वाली रेसिपी की जानकारी आपको मिल सके। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर दिया है उनको अभी सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है वो है आधा लीटर दूध, 6 छोटे चम्मच चीनी जो लगभग 60 ग्राम है, क्रीम आधा छोटा बाउल, वेनिला एसेंस आवश्यकता अनुसार, कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच, इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोवर भी ले सकते हैं, और चॉकलेट सिरप आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। दूध में हम थोड़ा सा दूध अलग रख लेंगे ठंडा, और बाकी का दूध हम गर्म रखेंगे। गैस पर हमने तपेला रखा है और इसमें दूध डालेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध हम रख लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस को सिम पर रखेंगे या मीडियम पे रखेंगे। दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। इसमें हम चीनी डालेंगे और हमारा जो कस्टर्ड है उसको इस दूध में हम घोलेंगे, ठंडे दूध में। इसको पूरा अच्छी तरह से घोलना है, इसमें गुठली नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड हमने ठंडे दूध में घोल लिया है और दूध हमारा आधा गर्म होने आया है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड हमें धीरे धीरे करके डालना है और हिलाते जाना है, ताकि हमारी गुठली ना बने। इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारा दूध तले से ना लगे। 5-7 मिनट बाद इसको गैस को हम बंद कर देंगे। हमें 5 से 7 मिनट दूध उबालते हुए हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और दूध को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। हमारा दूध ठंडा हो गया है। अब हम मिक्सर जार में इसको डालेंगे। और इसमें आधा चम्मच एसेंस डालेंगे। यह वेनिला एसेंस हमने आधा चम्मच लिया है जो इसमें हम डाल रहे हैं, और हमारी क्रीम इसमें डलेगी। अब इसे हम 5 से 10 सेकंड के लिए घुमाएंगे। ये हमारे 5 से 10 सेकंड हो गए हैं। ये हमारा मिक्स हुआ दूध हम ट्रे में निकालेंगे। इसको 1.5-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। जब हमारी आइसक्रीम आधी जम जाएगी तो हम इसको फ्रीजर से बाहर निकाल कर दोबारा मिक्सर में 5 से 10 सेकंड घुमाएंगे और फिर फ्रीजर में इसको जमने के लिए रख देंगे। ये हमारी आइसक्रीम आधी जम गई है। अब हम इसको एक बार मिक्सर में 10 सेकंड के लिए और घुमाएंगे, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और दोबारा जमने के लिए रखेंगे। अभी हमारी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई है। हम इसको एक बार और चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसको वापस ट्रे में डालेंगे दोबारा जमने के लिए,
और फ्रीजर में रखेंगे। अब इसको हम दोबारा फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। ये हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे और चॉकलेट सिरप से गार्निश कर सर्व करेंगे। ये हमारी वेनिला आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाने के लिए तैयार है। यदि बनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।